हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614। सो आप सभी को पता है यहाँ पे कि ये क्लास जो है ये 9:30 बजे होती है। तो शाम को यहाँ पे 9:30 बज चुके हैं यहाँ पे, और आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 जो है वो करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यो टाइप्स है, ये तुम्हारी इलेक्शन बेस और यहाँ पे फेल पास वाली है। सो ज़्यादा ये मैं फोकस करूँगा वो यहाँ पे फेल पास वाली के ऊपर करूँगा, क्योंकि एग्जाम में इसके रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी हम एक दो को यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइमिंग जो बच्चे बोल रहे हैं क्लास की क्या होगी। तो 7:40 पे आपकी जो इंडियन आर्मी की एक स्पेशल क्लास है, एक सीक्वेंस शुरू की हमने 1000 MCQs की डेली के। हम यहाँ पे 30-30 MCQs चलाते हैं यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पे, और ये क्लास जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। यहाँ पे इस क्लास के अंदर GK और यहाँ पे GS चल रही है, तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ आर्मी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे JK पुलिस की यहाँ पे या SSGD की यहाँ पे तैयारी कर रहा है, या कोई भी डिफेंस की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। और 9:30 बजे आपको पता है यहाँ पे कि JKSSB जूनियर असिस्टेंट की क्लास होती है मैथमेटिक्स की। मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि ये मैथ पोर्शन जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे GK पोर्शन की जूनियर असिस्टेंट की, तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, और दूसरी तरफ बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ JNK वो भी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के बाद मैं आऊंगा स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर, ये हो कि आपका एक मेजर पोर्शन यहाँ पर टॉपिक रहेगा आपका रीजनिंग का, तो वो भी हम जल्दी से जल्दी करेंगे, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि PDF की, तो बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर हमें PDF दे दिया करो। तो PDF जो है वो उसके लिए आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप कोई भी ग्रुप नहीं है हमारा। तो JKSSB 614 आपने सर्च मारना है खाली टेलीग्राम ओपन करके, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन बॉक्स वाला होगा, उसके अंदर जितने भी आपकी क्वेरी होगी या क्वेश्चन का डाउट होगा तो आप वहां पे ये सेंड कर सकते हो। एक बच्चे ने मुझे यहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट वाला एक क्वेश्चन भेजा था, वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट के अंदर आपको पूरा बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर ही उसने भेजा था ग्रुप डिस्कशन बॉक्स के अंदर। तो आज का सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं यहां पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन की यहां पे बात करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, हमारा ये वाला टॉपिक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया। आज हमारा यहाँ पे फेल और पास वाला ज्यादा जो मेजर पोर्शन है ये वाला होगा, और यहाँ पे इलेक्शन वाला भी हम करवा के दे देंगे आपको, ठीक है। फिर बचा हुआ ये रेस्ट एक वीडियो या दो वीडियो के अंदर आपका ये परसेंटेज बेस खत्म कर देंगे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का वो है यहाँ पे, 270 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम। एक एग्जाम होता है, 270 कैंडिडेट्स यहाँ पे पेपर देने जाते हैं, और उनमें से आउट ऑफ बीच 252 पास द एग्जाम। 252 बच्चे जो हैं वो पास हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। द पास परसेंटेज इज, जो पास होने वाले बच्चे हैं वो कितना परसेंटेज हैं भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे पासिंग के लिए पास मार्क्स निकालने हैं, तो मुझे तो एक आपको पता है परसेंटेज के अंदर क्या होता है कि ये नीचे होती है यहाँ पे टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल मार्क्स, और ऊपर होते हैं टोटल मार्क्स में से उसके यहाँ पे एक मार्क्स ऑब्टेंड, कि उसके कितने ऑब्टेंड हुआ, उसके कितने आया, और परसेंटेज चलाने के लिए इनटू 100 होता है। तो ये टोटल मार्क्स और ऊपर ऑब्टेंड और इनटू 100 ये मुझे चाहिए भाई, ठीक है भाई। देखो ये आज का वीडियो ये आपका एग्जैक्ट लाइव नहीं है, ये एज ए लाइव ही शो हो रहा होगा आपको, ठीक है, एज ए प्रीमियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे लाइव चैट के अंदर अपने यहाँ पे आंसर्स यो भी जितना पहले दे सकता है, या कोई भी डाउट होगा वो यहाँ पे लाइव चैट के अंदर दे देना। मैं यहाँ पे एक नाम है मेरा डिफेंस अड्डा 614 के नाम से, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई देता रहूँगा, ठीक है। मैं भी 9:30 बजे एक्टिव हो जाऊँगा। तो भाई देखो यहाँ पे टोटल मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स कीजिएगा, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स ले लेते हैं ना, कि टोटल स्टूडेंट्स कितने गए यहाँ पे, 270 स्टूडेंट्स पेपर देने जाते हैं, और उसमें से कितने ऑब्टेंड, मतलब कितने यहाँ पे पास होते हैं, यहाँ पे 252 पास होते हैं। तो यहाँ पे 252 यहाँ पे पास हो गए, परसेंटेज लानी है तो इनटू यहाँ पे 100, 10 से 10 कैंसिल तुम्हारा, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे ये 5 2 कितने हो जाएंगे, 7 7 और 2 2 9, तो ये मतलब 3 से कट जाएंगे, तो ये 3 से काटो यार पूरा, ये 3 से 9 टाइम्स 27 होता है, और ये 3 से कितना टाइम हो जाएगा, 8 3 24, और 4 से 12 हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये 3 से कट जाता है, ये 3 3 से 9 होते हैं, और ये 3 से तुम्हारा कितना टाइम होगा, 3 2 6 हो जाएगा, और 28 टाइम, ठीक है। तो ये मेरा कितना है यहाँ पे, 280।
अपॉन में 3। ये यहाँ पे 80 कैसा है, इनटू 10 भी है ना नीचे, तो यहाँ पे 280 अपॉन 3 कर दिया। ठीक है, ये मेरी पासिंग परसेंटेज है। क्या 280 ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे तो नीचे 3 है, यहाँ पे नीचे 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है हमारा। ऊपर मुझे कितना चाहिए, 280 चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 91/3 है जो, ठीक है, जब इसकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ये करके देखो कि 280 आता है। भाई लोग ये 30 से 0 हो जाएगा, और 0 + 1 कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना, 0 है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत, तो आपका आंसर डी आपका बचा भाई। तो यूनिट डिजिट से भी हम यहाँ पे काफी कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं अपने। ठीक है, नहीं तो आप इजिली कर सकते हो 93 1/3। ठीक है, ये देखो 3 और 3 इतना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 0, तो यहाँ पे भी 0 है। आप पूरा इसको करके देख लेना, ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सभी को समझ आ गया होगा, तो यस यस बोल देना भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, मोर है 25% ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जाम फेल्ड। बोलता है कि एक एग्जाम के अंदर जो बच्चे गए थे, वो 25% बच्चे जो गए थे वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं, एंड ओनली 450 स्टूडेंट्स क्वालिफाई द एग्जाम्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको दे दिए कि 450 जो है ना ये क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम वाज, कितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने गए हुए थे, 700, 600, 550 या 500। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हम इसको एज ए परसेंटेज से ही लेके चलेंगे, या आप 100 लेके भी आप इसको कर सकते हैं। दो तरह से इसको हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। पहला मेथड जो आता है वो आपका आता है 100 वाला। देखो मैं यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन द एग्जाम बस, टोटल नंबर पूछा हो, तो जब भी कोई टोटल बच्चे होते हैं, जैसे स्कूल के अंदर हो जाए, इंस्टीट्यूशन के अंदर हो जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे टोटल जो बच्चा होता है अपने आप वो 100% होता है। ठीक है, वो टोटल बच्चा कितना होता है, 100% होता है। और इसमें से 100% में से कुछ बच्चे फेल होते हैं और कुछ बच्चे पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने खुद बताया हुआ है कि जो 25% स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने गए वो फेल हो गया, तो यहाँ पे फेल वाले कितने हुए, यहाँ पे 25% फेल हुए यहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ पे 100 में से 25% फेल हो गए, तो पास कितने हो जाएंगे, 100 - 25 दैट इज 75% पास हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये परसेंटेज दी है 75 की, यहाँ पे 75% पासिंग मार्क्स हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पासिंग वाले बच्चे हैं वो हुए कितने, यहाँ पे 450। तो इस 75% की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दी है, 450। अगर ये 450 अगर फेल वाले होते तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता, बट ये पास वाले हैं जो क्वालिफाई करते हैं, तो क्वालिफाई करने वाले 75% है, तो यहाँ पे नंबर में कितना दिया, 450। तो 1% डिनोट कर रहा है कितना, यहाँ पे 450 upon 75 यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे पूरा, तो ये आपका पूरा यहाँ पे 6 टाइम कट जाएगा, तो 1% की जो वैल्यू आ रही है दैट इज वो कितनी आ रही है आपकी, 6 आ जाएगी। ठीक है, 75 × 6 कितने होता है, 450 ही होता है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, ये तो 1% डिनोट कर रहा है यहाँ पे 6। ठीक है, 1% के पीछे 6 बंदे यहाँ पे तुम्हारे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल देखो, टोटल बच्चा कितना, यहाँ पे टोटल बच्चा यहाँ पे 100%, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100 कर दो, तो 6 × 100 कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई, यहाँ पे 600 हो जाएगा, और इधर पूरा यहाँ पे 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इधर भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास कितना टोटल बच्चा आया था भाई, 600 बच्चा यहाँ पे पेपर देने आया हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो मेथड है, सॉरी दूसरा मेथड इसी के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे परसेंटेज कंसेप्ट। परसेंटेज कंसेप्ट आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे खाली आपको एक चीज ढूंढनी है, परसेंटेज। तो यही परसेंटेज जो है, ये 25% वाले कौन है भाई, ये लोग हैं फेल हुए, ये फेल वाली परसेंटेज है यहाँ पे 25%। और अगर इस 25% की यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करूँ, तो 1/4 होता है, फर्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से आपको बताया हुआ, तो ये आपने लर्न करनी है। अब मैंने आपको परसेंटेज के अंदर ये भी बताया कि ये नीचे जो वैल्यू होती है, ये होती है तुम्हारी टोटल, तो ये हो गया यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स जो पेपर देने गए हैं, वो यहाँ पे 4 मान लिए मैंने। ठीक है, अब ये ऊपर वाला एक क्या होता है, या तो ये ऐड हो रहा है, या तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, या तो ये फेल हो रहा है, या तो ये पास हो रहा है। तो ये परसेंटेज थी किसकी, यहाँ पे फेल वाली, तो यहाँ पे एक तुम्हारा क्या हो गया, फेल हो गया।
टोटल चार बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं और उसमें से एक ही आपका फेल हो जाता है। चार में से अगर एक फेल हो रहा है तो पास कितने हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे तुम्हारे तीन पास वाले हो जाएंगे। तो पासिंग स्टूडेंट्स कितने दिए हैं मुझे, 450 पासिंग स्टूडेंट्स दिए हुए। तो यहाँ पे मेरे पास पासिंग वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं, तीन, ये तो 450 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कर लिया कि ये थ्री स्टूडेंट्स हैं, थ्री स्टूडेंट्स की वैल्यू यहाँ पे पास वाली कितनी है, यहाँ पे 450 है यहाँ पे। तो एक स्टूडेंट आपका कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, ये 450 अपॉन में 3 हो जाएगा। जब आप इसको कट करोगे तो ये तुम्हारा यहाँ पे 150 से कट जाएगा। तो इट मीन्स अगर एक स्टूडेंट की वैल्यू यहाँ पे 150 है, ठीक है, एक स्टूडेंट है भाई यहाँ पे, एक स्टूडेंट्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 150 है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे बताना है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने गए हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 4 है भाई। तो यहाँ पे अभी तक एक स्टूडेंट्स हुआ है तो मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी आपका सही हो जाएगा कि 600 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे टोटल बच्चे एग्जाम देने गए हुए हैं भाई। इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यस यस बोल दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं भाई, ठीक है। तो ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार यहाँ पे मैंने इसके रख दिया हूँ ऑप्शंस, ठीक है, गलती से, वा टाइपिंग मिस्टेक। बोला इफ ए गॉट 80 मार्क्स एंड बी गॉट 60 मार्क्स, ठीक है, अगर ए के 80 नंबर आ रहे हैं और बी के यहाँ पे 60 नंबर आ रहे हैं, देन व्हाट परसेंट ऑफ A's marks is B's marks, कि कितना परसेंट है जो A का मार्क्स जो कि B के मार्क्स से कितना परसेंट होगा भाई। तो भाई एक चीज आप याद रखना, A को यहां पे 80 मार्क्स मिल रहे हैं, B को यहां पे 60 मार्क्स मिल रहे हैं, और ये वाली लाइन जो आपको पहली वीडियो के अंदर आपको क्लियर किया है, व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, बस What percent of A is B का मतलब होता है B upon A into 100, बस ये चीजें याद रखना। तो भाई लोग यहां पे देख लो भाई, B की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 60 है, और A की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 80 है, और into यहां पे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया भाई तुम्हारा, ये तुम्हारा ये जीरो से ये जीरो तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया भाई, ठीक है। आगे तुम्हारा ये 2 से भी कट हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 से कितना टाइम, 4 टाइम कट हो जाएगा, ये 2 से कितना टाइम, 3 टाइम कट हो जाएगा, ठीक है। आगे ये 4 से ये 100 वाला ये भी कट जाएगा, ये 4 एक 4, ये 4 से 25 टाइम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है भाई। देखो भाई कितना प्यारा सा क्वेश्चन था और बिल्कुल शानदार क्वेश्चन जो आपको लेके आए हैं आज आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेगा आज भाई, ठीक है, वीडियो के अंदर, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई, मिस अगर ये वीडियो का अगर आपने 2 मिनट भी आगे कर ली ना, तो आपका एक एक वर्ड जो है वो यहाँ पे आगे माइंड में नहीं जाएगा भाई। तो यहाँ पे आपका 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। बोरा इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड, ठीक है, एक एग्जाम होता है 1100 बॉयज और यहाँ पे 900 गर्ल्स अपीयर्ड होती हैं। तो बोरा 40% ऑफ बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास द एग्जाम। बोरा बॉयज 40% पास होते हैं और गर्ल्स यहाँ पे 50% पास हो जाती हैं। तो मुझे बताओ द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इज, कितने बच्चे जो हैं वो जो फेल हुए हैं वो मुझे बताना है भाई। तो टोटल देख लो भाई, अगर आपको बताना है कि कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं तो वो टोटल में से हुए होंगे, तो नीचे सबसे पहले आपको टोटल वैल्यू याद होनी चाहिए। तो टोटल की बात करें तो 1100 बॉयज हैं और 900 गर्ल्स हैं जो पेपर देने गई हैं। तो टोटल बच्चे कितने गए हैं स्टूडेंट्स भाई, बॉयज प्लस गर्ल्स को मिला के, ये तुम्हारा हो जाएगा 2000, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2000। अब इन 2000 में से मुझे देखना कितने बच्चे यहां पे फेल हुए हैं भाई परसेंटेज की तरह। एक चीज यहां पे माइंड में रखना, अगर यहां पे 40% बच्चे जो होते हैं वो पास हो जाते हैं, तो मैंने बोला अपने माइंड में यार याद रखना 100% टोटल बच्चा होता है, ठीक है जी। तो अगर 100% बॉय में से
40% यहाँ पे बॉयज पास हो जाते हैं, तो फेल वाले बॉयज कितने हो जाएंगे? फेल वाले बॉयज आपके हो जाएंगे यहाँ पे 60%। ठीक है, अब 60% ऑफ 1100 निकालो तो ये तुम्हारे हो जाएंगे फेल वाले। तो इसको निकालो जरा, ये 60% का मतलब 60/100 और इनटू यहाँ पे 1100, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो तुम्हारे पास 11 × 6 कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 660। ये बच्चे जो हैं, ये तुम्हारे बॉयस हैं, ये तुम्हारे फेल हुए हैं। ठीक है, टोटल 1100 में से 660 बच्चे तुम्हारे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, वैसे अब हम गर्ल्स निकालेंगे कि गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स फेल कितनी हुई हैं। ठीक है, गर्ल्स फेल कितनी हुई है, देखो 50%। देखो गर्ल्स भी अपने आप में 100% पेपर देने जाती हैं। ठीक है, 100% ही होती है जो गर्ल्स, उसमें से बोल रहा है 50% पास है, अगर 50% पास है तो 50 ही फेल होंगी। तो ये फेल होंगी कितने में से, 50% ऑफ टोटल गर्ल्स कितनी है भाई, 900 में से, 900 में से 50% गर्ल्स फेल। तो 50% यहां पे इसको निकाल लो तुम्हारा। ठीक है, ये 900 हो जाएगा, ये तुम्हारा दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा और 50 × 9 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी गर्ल्स हैं। अब देखना है मुझे भाई, परसेंटेज बतानी है कैंडिडेट्स हु फेल। अब ना को गर्ल्स ना तो बॉयज पूछा उसने कि फेल है, बोरा कि टोटल बच्चे कितने फेल हुए भाई, उनकी परसेंटेज बता दो। बोरा कि 660 मेल आपके यहाँ पे फेल हुए हैं यहाँ पे, और जो फीमेल है वो यहाँ पे इतनी फेल हुई हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 × 5 ये 11, 6 × 4 = 10 और ये कितना हो जाएगा, 11। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1110 कैंडिडेट आपके फेल हो जाते हैं आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 2000 में से, और परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इनटू यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये चीजें आप याद रख लेना भाई। ठीक है, अब देखना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्कर चेंज करने दो ताकि तुम्हें समझने में इजी हो जाए भाई। ठीक है जी, अब देख लो भाई, ये तुम्हारे दो जीरो और ये तुम्हारे दो जीरो कैंसिल, ये एक जीरो, ये एक जीरो तुम्हारा यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है 111/2, तो ये तुम्हारा कटेगा तुम्हारा सीधे 55.5%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जाएगा। ये मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे मैं बिल्कुल एक एक चीज आपको जो है वो बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, बट जब एग्जाम में जाते हैं तो सीधे आपने देखना 40% अगर बच्चे यहाँ पे पास हो रहे हैं तो 60% 1100 का सीधे सीधे यहाँ पे निकाल लेना भाई। ठीक है जी, तो आपने वैसे करना है भाई। ठीक है, ये नहीं लिखना आपने वहाँ पे 60% ऑफ ये फेल बॉय, 60% ऑफ ये, ऐसा कुछ नहीं करना, आपने सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। और ये कब होगा, जब आपकी अप्रोच अच्छी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5th के ऊपर चलते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है फॉर ए कैंडिडेट टू क्लियर एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम को यहाँ पे क्लियर करने के लिए ही शी मस्ट स्कोर 55% मार्क्स। ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है मैं लड़का हूं तो मैं यहाँ पे ही यूज करूंगा कि मुझे यहाँ पे 55% यहाँ पे मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, इफ ही गेट्स 120 मार्क्स एंड फेल बाय 78 मार्क्स। अब मेरे यहां पे 120 मार्क्स आते हैं और मैं कितने से फेल हो जाता हूं, 78 मार्क्स से मैं फेल हो जाता हूं, द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जाम इज, पूरा जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा भाई। देखो भाई, पूरा पेपर जो है वो कितने नंबर का होता है, वो होता है 100% का। पूरा पेपर कितना होता है तुम्हारा, 100% का होता है, बस ये चीज याद रख लेना भाई। ठीक है जी, अब देखो भाई, मुझे पास होने के लिए कितना यहाँ पे परसेंटेज चाहिए थी, 55% चाहिए थी, 55% मुझे पास होने के लिए चाहिए थी। ठीक है, बट मेरे नंबर आते हैं यहाँ पे 120 नंबर लेके मैं फेल हो जाता हूं 78 से। भाई लोग देखना, अगर मुझे यहां पे मैडम देती है 10 में से 4 नंबर, ठीक है, और पास होने के लिए चाहिए थे 5 नंबर, अगर मैं बोलूं कि मुझे यहां पे देखो मैं फेल कितने नंबर से हुआ हूं, 1 नंबर से फेल हुआ हूं, मेरे मन में यह होता है कि अगर ये 1 नंबर मुझे यहां पे मिल जाए ना तो मैं पास हो जाऊंगा, मैं फिर से बार बार रिकाउंटिंग करूंगा और बोलूंगा कि 1 नंबर चलो हासिल हो गया, मैं पास हो गया। और ये कैसे पता चला, ये 1 यहां पे ऐड कर दिए मैंने। अब मैं 78 नंबर से फेल हो रहा था, अब ये 78 नंबर अगर मैं यहां पे इसके 120 में जोड़ दूं
तो क्या मैं पास हो सकता था? मैं बिल्कुल पास हो सकता था। तो मेरे पासिंग परसेंटेज 55% है। तो पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे मुझे? ये हो जाएंगे तुम्हारे 8 हो जाएंगे, ठीक है। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 198। तो दैट मीन्स पासिंग परसेंटेज थी 55%, तो पासिंग मार्क्स थे यहाँ पे 198 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 198 अपॉन में 55 हो जाएगी, ठीक है। और हमें निकालनी कितनी है? टोटल मार्क्स आपका कितना भाई? 100 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे हम लास्ट में इनटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे पहले ही हम 100 से कर लेते हैं भाई, ठीक है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब काटो तुम इसको भी अच्छे ध्यान से। अगर आपको यहाँ पे ये नंबर अच्छी तरह से देखना आते हैं, ठीक है, नंबर के साथ खेलना आता है, तो तुम्हारा 11 का टेबल तुम्हें आना चाहिए। तो ये 11 से 5 टाइम कितना होता भाई? ये 55 हो जाएगा। ये तुम्हें पता है 11 इंटू ए कितना होता है? 11 होता है। 19 में से 11 निकालो तो तुम्हारे 8 बच जाते हैं, तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। तो 11 इंटू 8 कितना होता है? 88 होता है। तो ये 5 1 5, ये 5 से तुम्हारा कितना रैंक बढ़ जाएगा? 20 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा 0 8 2 कितने हो जाएगा? 16। 2 और 1 2 और 1 3 360, विच इज ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? ये मुझे टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको समझाने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके 3 से 10 सेकंड के बीच बीच में यहाँ पे आंसर आएंगे। और अगर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 10 सेकंड के अंदर आपसे सॉल्व हो रहा है तो दैट मीन्स आपकी जो तैयारी थी वो अच्छी थी भाई, ठीक है। तो 360 मार्क्स यहाँ वो टोटल मार्क्स होगा वो 360 नंबर का होगा भाई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो भी इसके अंदर देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन और पूछे जाएंगे इसके बाद भाई, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन आ गया, इन एन एग्जामिनेशन एन कैंडिडेट सेको 40% मार्क्स। एक कैंडिडेट को यहाँ पे 40% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। देखो अगर यहाँ पे पास होना चाहिए तो यहाँ पे भी पासिंग मार्क्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। बोलता एक कैंडिडेट है जिसके यहाँ पे 220 नंबर आते हैं, 220 नंबर आते हैं एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स, और वो फेल होता है 20 मार्क्स से, वो कितना हो जाता है? फेल हो जाता है भाई। तो भाई लोग देखना भाई, अगर ये 20 मार्क्स में फेल हो रहा हूं तो ये 20 नंबर अगर मुझे यहां पे मिल जाए तो मैं पास हो सकता हूं। ये 0, ये 4 और ये 240, मतलब अगर 40% पास होने के लिए चाहिए थे तो मुझे पासिंग मार्क्स कितना चाहिए थे? 240 चाहिए थे। और 1% आपका कितना डील करेगा? ये 240 अपॉन में 40। और आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर होता है वो 100% का होता है, और इनटू हम 100 कर देते हैं। ये 100 क्यों किया है? क्योंकि मुझे टोटल मार्क्स बताने हैं, ठीक है। अब देखना भाई, ये 0 से 0 तुम्हारा कैंसिल, ये 4 1 या 4, ये 4 से 6 टाइम कितना होता है? 24। और 6 × 100 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी को पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ये आपका जैसे ऐसा तुम्हारा सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारा JKSSB 4th क्लास के अंदर भी तुमसे पूछा था, ठीक है। और ये मैंने टाइप तुम्हें तब 4th क्लास के अंदर भी करवाई थी, और मैंने बच्चों को बोला था कि ये टाइप कर लेना। कुछ बच्चे यहाँ पे ये छोड़ के आ गए थे, बट हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी, हर एक टाइप यहाँ पे हमें करने पड़ती है। तो बोल रहा है इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट्स गॉट 30% मार्क्स। एक टेस्ट होता है, एक स्टूडेंट्स के यहाँ पे 30% मार्क्स आते हैं एंड फेल बाय 25 मार्क्स, और वो फेल हो जाता है बेचारा कितने मार्क्स से? 25 मार्क्स से फेल हो जाता है। ये माइनस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि फेल हो रहा भाई, ठीक है। अब आगे देखो, इन द सेम टेस्ट, एक टेस्ट और होता है, अनदर कैंडिडेट्स गॉट 40% मार्क्स। एक दूसरा कैंडिडेट है वो यहां पे 40% मार्क्स लाता है एंड सेकोड यहां पे 25, यहां पे ये कर लेना यार, 25% नहीं है, 25 मार्क्स मोर देन एसेंशियल मिनिमम पास मार्क्स, ठीक है। यहां पे ये परसेंटेज नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। और बोल रहा है जितने उसको पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उसके 25 एक्स्ट्रा नंबर आए हैं, मतलब ये प्लस 25 एक्स्ट्रा नंबर लेके आ गया भाई, ठीक है जी। अब एक चीज याद रखना, जब भी ऐसे हो, एक परसेंटेज और उसके फेल वाला पास वाला, दूसरी परसेंटेज उसका फेल या पास वाला यहां पे बताया होगा,
तो उसमें हम हमेशा क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। हम क्या लेते हैं यहां पे, डिफरेंस लेते हैं भाई, डिफरेंस। अब आपने बोला है कि यहां पे 40 और 30 का डिफरेंस यहां पे 10 है, ये बिल्कुल मैं ठीक मानूंगा। अब आप बोलोगे ये 25 और 25 का डिफरेंस 0 है, ये मैं बिल्कुल ठीक नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पे देखो 25 और 25 का डिफरेंस 0 नहीं होता यहां पे। ये मतलब है, ये देखो माइनस क्यों लगा के रखा था मैंने, ये फेल था, तो माइनस 25 और माइनस माइनस यहां पे प्लस, इसलिए हम यहां पे टोटल 50 लेके चलेंगे इसको। तो दैट मींस माइनस माइनस क्यों करते हैं हम, क्योंकि ये माइनस माइनस क्यों हो जाएगा, एक तो तुम्हारा फेल वाला हो गया और दूसरा मैंने बोला डिफरेंस लेना यहां पे, ठीक है। तो यहां पे 10% की वैल्यू यहां पे आपकी 50 आ रही है, अगर 10% आपकी 50 है तो यहां पे 1% आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर 1% आपकी यहां पे डिनोट कर रहा है 5, तो यहां पे बोल रहा है मैक्सिमम पास मार्क्स फॉर द टेस्ट बर, मैक्सिमम पास होने के लिए कितना चाहिए। तो भाई लोग यहां पे आप देख सकते हो यहां पे टोटल मार्क्स कितना होता है भाई आपका, 100 का होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएगा आपका, इनटू 100 हो जाएगा, तो दैट इज यहां पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, 500 हो जाएगा भाई तुम्हारा भाई। आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा क्वेश्चन भाई, ठीक है। यहां पे आपको कभी कभी पासिंग परसेंटेज भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, पासिंग परसेंटेज भी आपसे पूछ सकता है। अगर पासिंग परसेंटेज पूछना चाहे तो वही एक चीज यहां पे याद रखना, पासिंग परसेंटेज निकालनी हो तो भाई यहां पे पासिंग परसेंटेज से आपको डिनोट करना पड़ेगा 1% कि 1% के अंदर कितने मार्क्स है भाई, 5 मार्क्स है। 1% के अंदर कितने मार्क्स है भाई तुम्हारे, 5 मार्क्स है यहां पे, ठीक है। तो 25 मार्क्स के अंदर कितने परसेंटेज हो जाएगा ये तुमने निकालना होता भाई, ठीक है। तो ये आगे भी क्वेश्चन है यहां पे, तो उसमें भी आपको मैं अच्छी तरह से इसको बताऊंगा भाई। तो ये 30% तुम्हारा ले रहा था, ठीक है, एक पास होने के लिए चाहिए थे, बट वो 25 मार्क्स से वो क्या हो जाता, वो 25 मार्क्स से तुम्हारा फेल हो जाता, ठीक है। अगर इस मार्क्स की जगह मुझे यहां पे परसेंटेज मिल जाए कि मैं इतनी परसेंटेज से फेल हो रहा था और वो परसेंटेज मैं इस वाली परसेंटेज में ऐड कर दूं, तो क्या मैं पास हो जाऊं, मैं बिल्कुल पास हो जाऊंगा। तो इस 25 मार्क्स की जगह मुझे परसेंटेज लाना है, और आपको पता है 1% जो है वो 5 मार्क्स ला रहा है, ठीक है, एक परसेंटेज के पीछे 5 मार्क्स हैं। तो इधर मुझे यहां पे 5 का यहां पे मुझे क्या बनाना है, 25 बनाना है, 5 का मुझे क्या बनाना है, 25 बनाना है। तो 5 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि यहां पे मेरा 25 हो जाए, तो आपने बोला 5 × 5 करूंगा तो मेरा यहां पे 25 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पे 5 से मल्टीप्लाई यहां पे हो रही है, तो यहां पे परसेंटेज में भी सेम नंबर से यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 5%। तो दैट मींस मैं यहां पे कितने परसेंट से फेल हो रहा हूं, 5% से मैं यहां पे फेल हो रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके लिख दिया मैंने, 5% से मैं यहां पे क्या हो रहा हूं, फेल हो रहा हूं, ठीक है। 30% मुझे यहां पे पास होने के लिए चाहिए थे और 5% से मैं फेल हो रहा हूं, तो पासिंग परसेंटेज मेरी कितनी हो जाएगी, ये आप करोगे 30 मेरे मुझे पास होने के लिए चाहिए थे, ठीक है, और प्लस यहां पे 5 मैंने और लगा दिए, तो 35% यहां पे टोटल पास होने के लिए चाहिए ही थे भाई, ठीक है। 30% मेरे नंबर आ रहे हैं और यहां पे 5% से मैं फेल हो रहा हूं, तो अगर ये 5 मैं यहां पे जोड़ दूं तो मैं यहां पे पास हो जाऊंगा, तो 35% यहां पे पासिंग है। तो यही आपका सेम क्वेश्चन सेकंड आपका स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया। बोलता एक कैंडिडेट है जिसके यहां पे 20% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 20% नंबर ले लिए मैंने और मैं यहां पे 30 मार्क्स से क्या हो रहा, फेल हो रहा हूं, तो 30 मार्क्स से मैं यहां पे फेल हो गया, ठीक है। बोलता है अनदर कैंडिडेट जिसके यहां पे 32% आ रहे हैं, ठीक है, और उसके 42 मार्क्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं मोर देन पासिंग मार्क्स से, ठीक है, 42 नंबर उसके एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अगर उसको यहां पे पास होने के लिए एक्स नंबर चाहिए थे
तो उसके यहाँ पे कितने आ रहे हैं, एक्स प्लस 42 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, देखो एक्स नंबर वो ले तब भी पास होगा होगा, बट ये जो 42 नंबर जो यहाँ पे ला रहा है, अगर ये मैं इसमें ऐड करवा दूँ तो ये पाला पास हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 42 नंबर क्या लेके आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। और मैंने बोला है इन दोनों का यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है, डिफरेंस चेक करो, चेक द डिफरेंस। डिफरेंस चेक किया तो तुमने यहाँ पे देखो 32 में से यहाँ पे 12 निकालो, और सॉरी 32 में से 20 निकालो, तो तुम्हारे कितने बच जाते हैं यहाँ पे, ये हो जाएंगे 12। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 12%। ठीक है, और इधर का डिफरेंस कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -30 -42। तो ये टोटल 42 और 30 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 72 मार्क्स। ये तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 72 मार्क्स हो जाएंगे भाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, यस और नो? ठीक है, अब ये देखो ये 12% डील कर रहा है 72, तो 1% कितना डील कर रहा होगा, ये 1% डिनोट कर रहा है यहाँ पे 1% डिनोट 6 मार्क्स, 1% डिनोट 6 मार्क्स। और मैंने बोला है कि 1% कितने मार्क्स ला रहा है यहाँ पे, 6 मार्क्स ला रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स पूछा है या आपसे यहाँ पे परसेंटेज पूछी है पासिंग की, तो आप ध्यान से देखो भाई क्या पूछा आपसे भाई, देन द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स इज, परसेंटेज पास मार्क्स के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1% आपकी डिनोट करिए 6 मार्क्स। ठीक है, और मुझे यहाँ पे मैं कितने यहाँ पे 20% मैं नंबर यहाँ पे ले रहा था। ठीक है, और मैं कितने से फेल हो गया, 30 मार्क्स से मैं फेल हो गया। और अगर ये मार्क्स को मैं अगर कन्वर्ट कर दूँ किस में, कन्वर्ट कर दूँ परसेंटेज में, तो मैं यहाँ पे जो परसेंटेज से जितना फेल हो रहा था वो मैं इतनी परसेंटेज यहाँ पे दे दूँ तो वो मैं पास भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे मुझे 30 मार्क्स बनाने हैं, अभी तक मेरे पास 6 मार्क्स हैं, तो 6 मार्क्स हैं यहाँ पे, और मुझे कितना बनाना है यहाँ पे, 30 मार्क्स बनाने हैं। तो 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 30 हो जाए, तो आपने बोला सर 6 × 5 कर दो, 30 हो जाएंगे। अगर सेम नंबर उधर हो रहा है तो सेम नंबर इधर भी कर दो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5%। तो दैट मीन्स 30 मार्क्स डिनोट कर रहा है यहाँ पे 5%। अगर मैं 30 नंबर से फेल हो रहा हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे कितनी परसेंटेज से यहाँ पे फेल हो रहा हूँ, मैं यहाँ पे कितनी परसेंटेज से फेल हो रहा था, 5% से मैं यहाँ पे फेल हो रहा था। और ये अगर देखो 20% लेके मैं 5% से फेल हो गया, तो मुझे पास होने के लिए कितनी परसेंट चाहिए थी, 20 + 5 = 25। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 25% मुझे यहाँ पे पास होने के लिए चाहिए था। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा भाई। ठीक है, अपने माइंड में ये कंसेप्ट अच्छी तरह से रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लाइव सेक्शन के अंदर पक्का यहाँ पे बताना कि कैसी यहाँ पे आज के क्वेश्चन हैं आपके लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एट एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स। ठीक है, एक इलेक्शन होता है, दो कैंडिडेट्स मेरे पास होते हैं भाई। एक कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ द वोट। ठीक है, एक कैंडिडेट है वो 38% वोट्स लेता है, एंड लॉस्ट वाइज 7200 वोट्स, और वो 7200 वोटों से हार जाता है। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो कितने पड़े होंगे भाई। अब यहाँ पे देखो भाई, दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है, परसेंटेज से भी हो सकता है और आपका 100 से भी हो सकता है। एक 38% यहाँ पे वोट लेता है एक कैंडिडेट, तो टोटल वोट आपको पता कितने होते हैं भाई, टोटल वोट होते हैं 100%। 100% में से 38% एक कैंडिडेट वोट ले रहा है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने पड़े होंगे। आप बात करो यहाँ पे 100 में से 38 निकालो, 62%। अब यहाँ पे एनालाइज करो कि फेल कौन है और पास कौन है भाई, जीत कौन रहा और हार कौन रहा। भाई जिसकी ज्यादा परसेंटेज होगी वो जीतेगा, तो 62 वाला यहां पे कौन है भाई, विनर है, और ये 38 वाला कौन है भाई, लॉस वाला जो हार रहा है। और यहां पे ये बताया जाता है कि जो जिसके 38% वोट है ना, वो यहां से हार रहा है कितना भाई, 7200 वोटों से हार रहा भाई। ठीक है, बोला जिसके 38% है ना, वो 72 वोटों से हार रहा भाई, 7200 वोटों से हार रहा है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि ये हारने वाला है वो 38% वाला है, और जीतने वाला कितना भाई, 62% वाला। अब ये हारने वाला जीतने वाले से कितनी परसेंटेज से हारा है, क्योंकि यहां पे ये बताया कितने वोटों से हारा है,
दैट इज वो कितने वोटों से आ रहा है, 7200 वोटों से हार रहा है। तो मैं देखूंगा कि कितनी परसेंटेज से हार रहा हूं, ठीक है। तो ये 62% आपका विनर वाला है, 38% आपका ये वाला है, तो 12 में से 8 निकालो तो तुम्हारे पास जाता है 4, ठीक है, और यहाँ पे 5 में से 3 निकालो तो यहाँ पे 24, तो यहाँ पे 24% आपका हार रहा है। जो हारने वाला है वो जीतने वाले से कितना परसेंटेज हारा होगा, 24% हारा है, बट वोटों में कितने हारा है, 7200 वोटों से हारा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 24 × 3 करोगे तो 24 × 3 = 72 होता है, तो ये तुम्हारा सीधा सीधा यहाँ पे कितने से कट जाएगा, ये 300 से कट जाएगा। तो 1% डिनोट कर रहा है यहाँ पे कितना, यहाँ पे 300, 1% डिनोट कर रहा है 300। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पूछा है, तो टोटल कितने वोट पड़े हैं, 100% पड़ते हैं। तो ठीक है भाई, दोनों साइड की यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 0 आ जाएंगे, दैट इज 30,000 आपका आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 30,000 आपका फाइनल आंसर भाई। तो यहाँ पे टोटल वोट जो है वो 30,000 पड़े होंगे। अगर ये बोले विनर को कितने वोट पड़े हैं, तो 1% की वैल्यू अगर यहाँ पे 300 है तो 62% की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको इतने वोट पड़े होंगे, ठीक है। और अगर हारने वाले को निकालना है तो हारने वाले को यहाँ पे 38% है, 1% 300 है, तो 38% की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, इधर से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 38% / 100, ठीक है। टोटल यहाँ पे वोट पड़े हैं 100, और ये जो है ये आपका कौन है भाई, ये आपका यहाँ पे विनर वाला होगा, या सॉरी ये आपका लूजर वाला है, जिसको यहाँ पे लूजर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो जीतने वाला कितना हो जाएगा, विनर, विनर हो जाएगा यहाँ पे 62, ठीक है। अब ये हारने वाला जीतने वाले से कितने से हारा भाई, ये 24 से हारा, और 24 के लिए यहाँ पे 7200 है, सेम एज इट इज, यही कंसेप्ट है भाई, कोई चेंज नहीं किया गया भाई, ठीक है जी। आप इसको काट भी सकते थे थोड़ा और सिंपल करने के लिए, ठीक है, बट मैंने 100 लेके ही कर दिया। तो अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ पे यस यस बोलो अगर समझ आ रहा भाई, समझ आ रहा भाई। तो अगली स्लाइड के ऊपर चलें भाई, कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट के अंदर यहाँ पे लाइव सेक्शन के अंदर छोड़ देना, मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे डिफेंस अड्डा 614 के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल हो जाऊंगा भाई। अब ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परसेंटेज के, जो कि पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे मिसक्लिनियस क्वेश्चन ही था, तो मैंने सोचा चलो उठा लेते हैं ये भी क्वेश्चन। तो टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। दो नंबर है मेरे पास, ठीक है, जो कि तीसरे नंबर से पहला नंबर 20% अधिक है, और यहाँ पे 50% दूसरा वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन निकल सकता है आपसे, ठीक है, सेकेंड और यहाँ पे थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर 20% ज्यादा है तीसरे से, और दूसरा नंबर 50% ज्यादा है तीसरे से, और तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर परसेंटेज में बात करें तो तीसरा नंबर यहाँ पे 100 होगा। तो ये सेकंड नंबर है वो इसका यहाँ पे 50% है, 50% ज्यादा, सॉरी यहाँ पे 50% ज्यादा, अगर ये 100 है तो ये 50% ज्यादा होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला नंबर जो है वो तीसरे से यहाँ पे 20% ज्यादा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो नंबर है वो आपका यहाँ पे थर्ड से 20% ज्यादा है, तो दैट मीन्स अगर थर्ड आपका 100 है तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा भाई, ठीक है जी। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मुझे सेकंड की परसेंटेज बतानी है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट को देखते हुए सेकंड की बतानी है भाई, ठीक है। तो किसको देखते हुए है, तो वो वैल्यू आती है नीचे, किसको देखते हुए, फर्स्ट को देखते हुए, तो फर्स्ट कितना यहां पे 120, तो किसकी परसेंटेज निकालें, सेकंड की, तो सेकंड कितना भाई 150, और इनटू यहां पे परसेंटेज लानी है तो इनटू यहां पे कितना करना पड़ेगा, 100 करना ही पड़ेगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो भाई, ये जीरो से ये वाला जीरो फंडा क्लियर, ठीक है, तीन से काटो, ये तुम्हारा 3 से 4 × 12, ये तुम्हारा 3 से 5 × 15, ये 4 से तुम्हारा 25 ×, और 25 × 5 करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, दैट इज 125% आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये इसका बेस्ट मेथड है, आप ऐसे भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर पसंद आया तो प्लीज यस यस बोल दें, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं भाई।
अब नेक्स्ट है यहाँ पे, ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास। एक स्टूडेंट है जिसको यहाँ पे 33% चाहिए मार्क पास होने के लिए, बट उसके यहाँ पे 25% आते हैं और वो यहाँ पे 40% से वो क्या होता है, फेल हो जाता है, सॉरी 40 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। ठीक है, एक स्टूडेंट को 33% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, तो ये टोटल में से, तो उसके यहाँ पे 25% आते हैं और वो 40 से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। तो नंबर ऑफ टोटल मार्क्स पर, टोटल मार्क्स कितने का होगा पेपर भाई, 800, 300, 500 या 600 का। तो ये क्वेश्चन आपका मैं देता हूँ होमवर्क के लिए यहाँ पे, ठीक है, होमवर्क सेक्शन के लिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर किसी को ये यहाँ पे निकल जाता है तो यहाँ पे लाइव चैट के अंदर ही यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे और कोई क्वेश्चंस नहीं है आज, जो है वो हमने इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, धीरे धीरे हम करेंगे यहाँ पे हर एक सेक्शन को, अगर यहाँ पे टच करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमें टाइम चाहिए और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे भाई। ठीक है जी, तो क्या ये आपको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ यहाँ पे यस यस बोल दो। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे रह सकते हैं परसेंटेज में, ठीक है, जेके एसएससी जूनियर असिस्टेंस के लिए भी। ठीक है, बट सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा निकलेंगे वो याद रखना, इसलिए यहाँ पे लास्ट वाला जो मेरी वीडियो होगी वो पूरी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही बेस होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लास्ट में यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे लाइक करके जाना, ठीक है, और शेयर करना आपका यहाँ पे काम है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। क्योंकि अगर जो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मुझे 50 सब्सक्राइबर चाहिए, वो मुझे बिल्कुल नहीं आए थे। ठीक है, बेशक आपने शेयर कर दिया सर, सो थैंक यू उसके लिए। ठीक है, बट चलो ठीक है भाई, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ चलते हैं अब यहाँ पे, कल आपसे मिलेंगे भाई। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।